हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ हैं कांतिलाल पाटिल, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 418 रैंक है इनकी। ऑप्शनल इनका है शुरुआती दौर में ज्योग्राफी और उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी। आप सोचेंगे कि सर ये दो दो ऑप्शनल की क्या कहानी है, हम कांतिलाल की मुंह जबानी ये कहानी सुनने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो कांति बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। अब सबसे पहला सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा वो यही पूछना चाहूंगा कि आपने पांचवे अटेम्प्ट में लिस्ट में अपना नाम शुमार किया है, तो इतना ज्यादा समय आपको क्यों लग गया? वैसे मैं विदाउट कोचिंग ही था और इंटरनेट की हेल्प की, उसमें से ओनली आईएएस ने मुझे ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत हेल्प की, तो और विदाउट कोचिंग का कोई इसमें लेट आने का नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया सिलेबस कवर करने में और थोड़ा एडजस्ट होने में, तो इसलिए। और लास्ट ईयर जो पहला अटेम्प्ट था वो इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में दिया था मैंने, तो मतलब वो वेस्ट ही था। तो एक्चुअली मेरे चार सीरियस अटेम्प्ट थे, तो उसमें से पहला प्री नहीं निकला, तो फिर बाकी के तीन प्री निकल गए। तो और फाइनल सिलेक्शन का तो ज्योग्राफी की वजह से रह रहा था मेरा, क्योंकि 2017 में मेरा 14 मार्क्स से इंटरव्यू का लिए रुक गया था और ज्योग्राफी में कम ही मार्क्स आए थे। फिर से 18 में मेंस में ज्योग्राफी में बहुत कम मार्क्स आए, तो सोचा अभी ऑप्शनल चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से, ज्योग्राफी की वजह से मेरा सिलेक्शन जो है वो लेट हो गया। वो मतलब अभी जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स है वो समझ सकते हैं कि ऑप्शनल का कितना महत्व रहता है आपके फाइनल लिस्ट क्लियर करने में भी और आपकी रैंक बढ़ाने में भी। तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी फिफ्थ अटेम्प्ट में लेने के बाद, एंथ्रोपो का पेपर वगैरह अच्छा आता है ज्योग्राफी कंपेरेटिव, तो दैट्स वाई इतना टाइम लग गया। बाकी तो प्री मेरा निकल ही रहा था, उसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं थी। जीएस में भी अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे 2017 में, मुझे एसए में भी अच्छे मार्क्स थे 133, जीएस में भी अच्छे थे, सिर्फ ऑप्शनल का ही मेरा वो सी प्रॉब्लम हो रहा था। अब आपके सफर से बड़ी बारीकी से हम ये बात समझ पा रहे हैं कि आपको देखना पड़ेगा कमी कहाँ पे। आपको समझ में आया कि आपके ऑप्शनल में कमी है और आपने उसमें तब्दीली करने का प्रयास किया और फाइनली आपने ज्योग्राफी से उसको एंथ्रो कर दिया। यहां से मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो ऑप्शनल का चयन होता है, आपने शुरू में क्या सोच के ज्योग्राफी लिया था, कि आपको क्या लग रहा था कि हाउ कैन ज्योग्राफी बी अ गुड ऑप्शनल फॉर यू, क्योंकि आप चार साल उसको अपने साथ रखे रहे और आखिरी साल में आपने उसमें तब्दीली की। एंड ज्योग्राफी इज लाइक एवरीवन्स, यू नो एवरीवन इज वेल नोन अबाउट ज्योग्राफी, तो पहले से फर्स्ट थॉट ऐसे आता है कि या आपको हमको ज्योग्राफी आ जाता है। एंड सिंस आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, हमारा ड्रॉइंग भी अच्छा रहता है, तो मैप्स वगैरह और डायग्राम्स निकालने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आता था। तो ज्योग्राफी का जनरल नॉलेज सबको रहता है, तो सोचा कि ज्योग्राफी लेके ऑलरेडी हमको थोड़ा बहुत पता है ज्योग्राफी का। अभी एंथ्रोपोलॉजी का कैसे, मैं अगर मुझे अगर कोई बोलता 2016 में कि एंथ्रोपोलॉजी ले लो, तो मेरे लिए वो टोटली न्यू सब्जेक्ट था, कभी सुना नहीं था। तो इसके लिए, इसलिए कि ज्योग्राफी हमने सुना हुआ है और ऊपर से उसका जीएस वन में भी बहुत फायदा होता है, जीएस थ्री में भी फायदा होगा बहुत सारा, तो ऐसे प्रैक्टिकल फैक्टर्स कंसिडर करके मैंने ज्योग्राफी लिया था। तो लेकिन क्या हुआ कि अभी 2017 और 18 में भी थोड़े ज्योग्राफी के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने शुरू हो गए थे, तो ये मैं भी नहीं, ये तो मेरा पर्सनल भी ओपिनियन है। और बाकी जो माजिद सर, माजिद हुसैन सर है ज्योग्राफी के बहुत बड़े प्रोफेसर, उनकी बहुत सारी बुक्स है, उनके लेक्चर में भी उन्होंने खुद कहा था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो आउट ऑफ सिलेबस ही आ रहे थे। तो मैं सोचा कि ज्योग्राफी बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है अभी, और ज्योग्राफी में कंपटीशन भी बहुत सारी है, बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी ले रहे हैं, तो सोचा कि थोड़ा सा अभी स्मार्ट डिसीजन या फिर कोई अलग डिसीजन करना ही पड़ेगा अगर क्लियर होना है, तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी पे शिफ्ट हो गया था। सही मायने में देखा जाए तो आपने थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट दोनों में आप मेंस तक पहुंचे। मेंस के बाद कहां कमी रह रही थी? आपने मेंस क्लियर कर दिया लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया दोनों बार, वो क्या सिर्फ आपके ज्योग्राफी? पहले ज्योग्राफी में फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 245 मार्क्स ही थे, तो मतलब उस टाइम अगर हमको 280 290 अगर होते तो मैं आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेता मेंस का। तो मेंस का मेरा ज्योग्राफी में बहुत बड़ा हाथ था, ज्योग्राफी का मेंस फेल होने के कारण, क्योंकि 14 मार्क्स से रह गया था मेरा, तो 770 कट ऑफ था तब टाइम ओबीसी का, और मेरे को 756 थे, तो मतलब 14 मार्क्स की वजह से, और अगर ज्योग्राफी में अच्छे आते हो तो वो 30-40 मार्क्स बढ़ने ही थे, तो ज्योग्राफी की वजह से 2017 का मेंस रह गया। और इथिक्स का पेपर में भी मुझे प्रॉब्लम आया था, उसमें मुझे पहले 72 मार्क्स ही थे पहले मेंस में
तो ये दो पेपर 2018 में मेरी कहानी ऐसी थी कि मेरे परिवार के जो मेरे कजिन के फादर है और मेरा कजिन की भी डेथ हो गई, तो प्रीलिम्स मेरा कैसे तो भी मैंने मैनेज किया पास होने के, लेकिन मेंस के लिए मुझे इतना इमोशनली मैं इतना तैयार नहीं था, तो मेरा बहुत गंदे मार्क्स से मेंस फेल हुआ था मैं सेकंड अटेम्प्ट में, मतलब लिटरली समथिंग 85 या 80 मार्क्स से मेरा मेंस का कट ऑफ बाकी रह गया था। तो और ज्योग्राफी मैंने उस टाइम किया था बाकी जीएस छोड़ के, लेकिन ज्योग्राफी में फिर से मुझे इतना रिटर्न नहीं मिला, और तो फिर मैंने फाइनली एंथ्रो को शिफ्ट करने का डिसाइड किया। तारीफ के काबिल ये बात है। आप देखिए कांति, आप तीनों बार आप बढ़िया तरीके से प्रीलिम्स निकाल पाए, तीनों बार आपको प्रीलिम्स में कोई परेशानी नहीं है, तो ये क्या तरीका था, क्या ट्रिक्स या फिर क्या आप अप्रोच रखते हैं प्रीलिम्स की तरफ जिसकी वजह से आपको प्रीलिम्स में कहीं भी परेशानी नहीं आई? तो मेरा जो पहला सीरियस अटेम्प्ट था, मतलब मेरा दूसरा जो अटेम्प्ट था, पहला तो वेस्ट ही गया था, तो दूसरे अटेम्प्ट जो सीरियस था मेरा, उसमें मैंने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ाई मतलब मैंने जितने टॉपर लोगों ने पढ़ाई करते हो गए उस टाइम उतनी की हुई थी, तो प्रॉब्लम क्या आया, मैंने अच्छी रिविजन्स नहीं की, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सॉल्व नहीं की, करंट अफेयर्स पे कम फोकस किया था बहुत, क्योंकि 2015 में इतने करंट अफेयर्स नहीं आए थे, तो मैं समझा कि 2016 में इतने नहीं आएंगे, लेकिन 2016 का ही जो पेपर आ रहा तब से अभी पैटर्न बहुत चेंज हो गया कि करंट अफेयर्स के 30 या 25 क्वेश्चन आते ही है मिनिमम, तो मैंने करंट उधर दो सेकंड अटेम्प्ट में करंट की वजह से फेल हो गया। तो फिर 2017 में मैंने ये मेरी जो गलतियां थी वो सुधारी, तो सबसे पहले बहुत सारी रिविजन की नोट्स निकाले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव, ताकि रिविजन बहुत जल्दी हो सके, और दूसरी चीज की कि 30 से 40 मिनिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए प्रीलिम्स के जीएस के सिर्फ, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद उनमें से उनका फिर बाद में रिवीजन होता था, और वो टाइम टू टाइम करता था मैं, मतलब ऐसा नहीं कि दोपहर को या शाम को कभी भी कर लूं, जो अपना यूपीएससी का टाइम रहता है उस टाइम के हिसाब से सुबह 9 से 11 या फिर 9:30 से 11:30 भी हो जाता, तो उस टाइम में 30 से 40 क्वेश्चन पेपर में 2017 के प्रीलिम्स के लिए करता था, तो उसकी वजह से बहुत फायदा हुआ। और जो तीसरा पॉइंट है कि मैंने थोड़ा सा रिलैक्स मोड में भी चालू किया है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इतना पढ़ाई के पीछे लग गया था कि थोड़ा खुद को भी टाइम नहीं दे पाता था, थोड़ी हेल्थ भी खराब हो गई थी मेरी, तो सेकंड सीरियस अटेम्प्ट मतलब 2017 के प्रीलिम्स में मैंने थोड़ा हेल्थ की तरफ भी अपना ध्यान दिया, थोड़ा सा अच्छा फ्रूट्स खाता था, हेल्थ खाता था, तो उसका भी बहुत फायदा होता है, तो मतलब ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ता है सब एग्जाम पास होने को, मतलब सिर्फ पढ़ाई या फिर एक चीज काफी नहीं होगी, आपको रिविजन बहुत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर्स बहुत सॉल्व करने पड़ेंगे, और हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा, ये चीजें में फायदा होगा। और 2017 में ओनली आईज का ही चैनल आई थिंक तब आए थे, तो उनकी वजह से मेरा करंट बहुत और स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि मैं ऊपर से वीडियोस भी डेली आती थी, तो फायदा करंट अफेयर्स में बहुत फोकस किया 2017 में, करंट पे बहुत फोकस किया। मतलब सही मायने में देखा जाए तो आपको फिजिकली मेंटली प्रिपेयर रहना है, नोट्स बनाने, रिवीजन करना, साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखना है और दिमाग से पॉजिटिव फीलिंग रखना है। यस यस डेफिनेटली, मेंटली तो बहुत स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको सबको जो नए एस्पिरेंट से या फिर मैं भी था, हम सबको एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि मेंटली हम इतने प्रिपेयर नहीं रहते, प्रिपरेशन करते टाइम हमको इंजीनियरिंग में तो पढ़ाई की आदत ही नहीं रहती, तो अचानक से क्या हो जाता है कि दिन में आप 9 घंटे 10 घंटे पढ़ने लगते हो, और आपने इंजीनियरिंग में कुछ पढ़ा भी नहीं रहता इतना, तो थोड़ा मेंटली बहुत स्टेबल हो जाता, स्टेबल नहीं होते पाते अब। तो मैंने 2017-18 में थोड़ा मेडिटेशन करता था, थोड़ा बहुत गार्डन में फिर वॉकिंग करके मेरा हॉबी भी था, तो मैं दोनों ये चीजों पर ध्यान दिया, मेडिटेशन प्लस थोड़ा वॉकिंग करना। अब इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपने मुझसे कहा जीएस 4 में मेरे कम मार्क्स, जो एक कहीं ना कहीं ज्योग्राफी को तब्दील करने के अलावा जीएस 4 में भी आप कमजोर थे, तो आपने फिर जीएस 4 को कैसे दूर किया, उसकी तैयारी कैसे आपने की? जीएस 4 तो मैं फर्स्ट 2017 की मेंस में मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से मार्क्स कम थे, 2018 में थोड़े से मार्क्स बढ़ गए थे मेरे, 82 आए थे, और इस बार मैंने जीएस 4 पे बहुत ज्यादा ही फोकस किया था, बहुत सारे टेस्ट भी किए इस बार, स्पेशली जीएस 4 के 4 या 5 मेंस के टेस्ट लिखे मैंने, और केस स्टडीज की बहुत प्रैक्टिस की, एग्जांपल्स के प्रैक्टिस की बहुत सारी, और उसकी प्रिपरेशन मैंने थोड़ी इंटरनेट की बहुत हेल्प ली, इंटरनेट के जो वीडियोस अवेलेबल है,
तो ऐसा पूरा पूरा बहुत होलिस्टिक करके भी मैंने फिर GS4 को अप्रोच किया इस बार, क्योंकि उसमें भी थोड़ा लैकिंग हो ही रहा था, इसलिए उसको भी एड्रेस किया। इस बार तो अच्छे मार्क्स आएंगे और मुझे ऐसा लग तो रहा है। जैसे आपने GS4 के बारे में बताया, उसके साथ साथ ऐसे को भी जनरली इग्नोर किया जाता है एस्पिरेंट्स के द्वारा, वो ज्यादा समय अपने ऑप्शनल पे देते हैं और GS के जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं उन पे देते हैं 1, 2, 3 पे। जनरली GS4 और ऐसे को इग्नोर कर दिया जाता है, हालांकि वो काफी स्कोरिंग आपसे बता रहे थे कि लिस्ट में आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ऐसे को किस तरीके से रखा, क्या आप उसको इग्नोर कर रहे थे, अच्छी खासी तैयारी उसकी थी आप? मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। फर्स्ट में मुझे 133 मार्क्स आए थे, जो ठीक है, मार्क्स बहुत अच्छे भी है। और तो ऐसे की प्रैक्टिस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से ही, फर्स्ट मेंस की टाइम भी बहुत की थी और इस बार भी बहुत की थी। ऐसे कोट्स एग्जांपल्स तैयार करना, फिर मैंने इस बार 8-10 ऐसे तो भी लिखे खुद से और उसको इवेल्युएट करके लिया। तो ऐसे की प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो इंट्रोडक्शन अच्छे से कैसे देना है, फिर कोट्स अगर आगे जाए तो बहुत बढ़िया होता है। फिर बॉडी में जो ऐसे का जो क्रस्क है वो लिखना, फिर कंक्लूजन का एक अच्छा तरीका होता है, उससे किया जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कांति, आपने 3 बार इंटरव्यू दिया है, आपकी तैयारी में ओनली आईएएस का कितना बड़ा योगदान है? अगर हम बात करें प्रीलिम बूस्टर्स की या फिर उनके जो मंथली कंपाइलेशन है, उनका क्या रोल है? मैं 2017 से ओनली आईएएस का प्रीलिम बूस्टर देखते आ रहा हूँ मैं, और जो आपका कंपाइलेशन आता है प्रीलिम्स के पहले, तो मैं कंबाइन भी रोज डेली वीडियो भी देखता था प्रीलिम बूस्टर की। और उसके बाद जो प्रीलिम्स के पहले जो कंबाइनेशन आ जाते थे ना आपकी सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का, हर मंथली वाइज, तो वो उसके भी मुझे फायदा होता था। तो मैं ये ओनली आईएएस का जो आपकी PDF रहती थी वो उसका भी और थोड़े उसके नोट्स बना लेता था कभी, तो उसका मैं यूज करंट का बहुत यूज करता था और उसको सप्लीमेंट फिर बाकी के। तो ओनली आईएएस का फायदा ये होता था कि ओनली आईएएस के जो वीडियोस है उसमें बहुत बहुत कवर करते हैं आप लोग, बहुत मतलब बहुत ब्रॉड नॉलेज बेस हो जाता है, तो डेफिनेटली मुझे ओनली इसका बहुत फायदा हुआ था 3 अटेम्प्ट में। कांति, आप जानते हैं 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स का पेपर है, तो आपके हिसाब से क्या गाइडिंग वर्ड्स हो सकते हैं जो हमारे एस्पिरेंट्स अपने मन में रखे जाएं 4 अक्टूबर के पेपर देते वक्त? पेपर देते वक्त बस अपना दिमाग शांत रखो, क्योंकि दिमाग शांत नहीं रहेगा ना तो कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं सबका होता है, ऐसा नहीं कि हर किसी का सब क्वेश्चंस आ जाए, मतलब आ रहे होते हैं फिर भी गलत करके आ जाते हैं हमेशा, 1-2 सवाल सबके होते हैं। तो ऐसा कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि अच्छा मेरे को ये आ रहा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा था, तो उस टाइम पूरा कामली एग्जाम के दिन तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सुबह कुछ पढ़ो ही मत, आराम से उठो, मस्त है, अच्छा नाश्ता करो, हेल्दी नाश्ता करो, फिर मेंस के पेपर के लिए निकलो प्रीलिम्स की। और उससे पहले आपने अच्छी रिविजन हो जानी चाहिए और पेपर की आपको अगर प्रैक्टिस होगी अच्छे 2 घंटे में कंप्लीट करने की, जो आपको मैंने बताया कि मिनिमम 30-40 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपके लिए अनिवार्य है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपके 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं हुए। और आपकी फिर जैसी स्ट्रैटेजी रही होगी कि आपने, कोई बच्चे डिसाइड भी करते हैं कि 80 क्वेश्चन करने या 90 क्वेश्चन करने, या फिर कोई कोई डिसाइड करता है कि मुझे जितने आएंगे उतने ही मैं करेंगे, जो फिर आपकी वो जो पर्सनल स्ट्रेटेजी रहेंगी वो आपने चूज कर, तो आपके पर्सनल भी अलग, सबका अलग अलग रहता है, लेकिन बेसिक जो रहेगा जो काम माइंड रखो, अच्छा हेल्दी फूड खाओ एग्जाम के ड्यूरेशन के 1 महीने पहले से ही आपका, और उसके पहले अगर आपको बहुत ही ज्यादा टेंशन आ रहा होगा तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना प्रीलिम्स के जाने से पहले थोड़ा, और अच्छी नींद तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं तो रिकमेंड करूंगा कि प्रीलिम्स के पेपर के पहले दिन 7-8 घंटे मिनिमम सो के ही जाना, बहुत फायदा होगा रिकलेक्ट और याद करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पेपर 1 का GS होने के बाद, तो GS 1 होने के बाद मैं सब आपको भी पता होगा, सब देखते है कि ये इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, और सेट को निग्लेक्ट करते, तो वो मत करो, क्योंकि सीसेट बहुत लॉन्ग थे, वो सीसेट में रह गए थे, तो सीसेट को इतना लाइटली भी मत लेना। तो हम अपना सेशन रैप अप करते हैं यहाँ पे। कांति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर से ओनली आईएएस की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो ये थे कांति लाल जिनसे हमने बात की, उनके पास काफी अनुभव थे जो उन्हें हमसे शेयर किए, हमें बहुत सारे सवालों के जवाब इनकी बातों से मिल जाएंगे। ऑल इंडिया रैंक इनकी थी 418, मैंने इनसे बात की किस तरीके से इन्होंने अपना ऑप्शनल चेंज किया, क्या कारण थे उसके पीछे, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो यहाँ पर हम अपना सेशन रैप अप करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली आईएएस के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हूँ।